मैं आज यहाँ पर MSc फर्स्ट ईयर यानी कि फर्स्ट सेम, उसकी जो मैथमेटिकल एनालिसिस की बुक है उसका जो फर्स्ट यूनिट है उसके जो नोट्स हैं वो मैंने सेल्फ बनाए हैं। सो आई होप कि आपको बहुत अच्छे लगेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था वो था राइमन स्टिल्जिज इंटीग्रल। तो इसमें जो होने वाली कुछ बेसिक डेफिनेशन हैं जो कि हमने यूज़ किए हैं, तो मैं पहले उनको क्लियर करना चाहूँगी। जैसे कि पार्टीशन आएगा, पार्टीशन का मतलब होता है कि मान लिया कि आई इज इक्वल्स टू ए क्लोज इंटरवल ए बी। सो ए बी का मतलब था कि जैसे क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि कोई बंद, जैसे कोई भी एक घर है अगर उसको हम बंद कर दें, और जैसे इस दीवार का नाम ए दे दिया, इसका बी दे दिया, और इस घर का क्या हुआ कि हमने पार्टीशन कर दिया यानी कि बंटवारा कर दिया, तब क्या हुआ कि इसके घर की जो बाउंड्री थी जो इसको घर बना रही थी यानी कि इसको क्लोज कर रही थी वो क्या थी, ए से स्टार्ट हो रहा था बी पे ख़त्म हो रहा था। सिंपल है कि अगर ये ए से स्टार्ट हुआ बी से ख़त्म हुआ तो यानी कि ये तो क्या हो गया कि अब इसको क्या दे दिया, आई नाम दे दिया, आई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल ए से बी। अब इसका क्या किया, इस घर का पार्टीशन किया यानी कि पार्टीशन किया तो इसको मान लिया कि हमने कह दिया एक्स नॉट और इसको कह दिया हमने एक्स एन। अब जो इसका पार्टीशन हुआ इसको एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ऐसे कुछ भी कह दिया, तो पार्टीशन हमारे पास क्या हो गया कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, ए से, एक्स नॉट से, एक्स वन एक्स टू ऐसे ही चलता गया और कहाँ पे ख़त्म हुआ, एक्स एन बी से। अब इसके बीच में मान लेते हैं कि कोई आई एथ टर्म आई, एक्स आई, तो क्या होगा कि उससे पहले भी कोई टर्म आई होगी, जैसे टू से पहले वन आया, वन से पहले जीरो आया, तो ये एक्स आई है, इससे पहले क्या आया होगा, एक्स आई माइनस वन, और इसके बाद क्या आया होगा, एक्स आई प्लस वन, तो ये क्या हो गया, इसका पार्टीशन हो गया। तो क्या होता है कि आई अगर ए क्लोज इंटरवल ए बी है, आई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, बी ए फाइनाइट क्लोज इंटरवल। फाइनाइट मतलब होता है कि ना तो ए इनफाइनाइट हो सकता है ना ही बी इनफाइनाइट हो सकता है। बाई अ पार्टीशन, अब कोई हमने फाइनाइट क्लोज इंटरवल ले लिया, अब हमारा मतलब यानी कि हम पार्टीशन पढ़ रहे हैं, तो पार्टीशन से हमारा मतलब क्या है कि हमारे पास कोई फाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट है यानी कि एक्स नोट से एक्स एन तक का फाइनाइट पॉइंट है। अब वो जो कि कैसे होगा कि एक्स नॉट जो कि छोटा होगा एक्स वन से एक्स टू से, और ऐसे ही चलता चलता एक्स एन इज इक्वल टू बी पे आ गया। इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे 1 2 6, तो इसका अगर हम पार्टीशन करना चाहें तो मैंने कोई पार्टीशन पी किया यानी कि अब जो घर है उसकी जो दीवार है पहली 1 है और इसका दूसरी 6 है, और मैंने इसको सेपरेट कर दिया किससे, 2 से, तो ये मेरा क्या हो गया एक्स नॉट, ये मेरा क्या हो गया एक्स एन, और ये जो बीच में आया ये क्या हो गया एक्स वन, या फिर इसको एक्स एन ना कह के एक्स टू भी कह सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या हो गया इसका पार्टीशन। तो इसका जो फर्स्ट पार्टीशन हुआ वो क्या हो गया कि 1 < 2 < 6 = x2, इसको बी कह दिया। अब पार्टीशन पे टू ऐसी कोई और एग्जाम्पल ले लिया, सिंपली हम लोगों को क्लियर हो जाए कि पार्टीशन होता क्या है। इसलिए जैसे इसमें 3 और एलिमेंट ले लिया तो उसका क्या हुआ कि 1 < 2 < 3 ऐसी पार्टीशन बन गया। ये जैसे यहाँ इनिशियल एक्स नोट से इसको मैंने जो है लाइन पे डिनोट किया है ताकि क्लियरली समझ में आ जाए, जैसे यहाँ से एक्स नोट, ये एक्स वन और ये एक्स टू। अब जनरल पी हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे ही जो मैंने अभी एग्जाम्पल दे के क्लियर किया था कि पी को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो जनरल पी हमारे पास क्या हो गया कि ए इज इक्वल्स टू एक्स नॉट, एक्स वन एक्स टू, एक्स एन माइनस वन और एक्स एन तक चला गया। अब एग्जाम्पल में जो हमारा फर्स्ट सब इंटरवल होगा, सब इंटरवल होता है कि जैसे ये घर लिया था जो मैंने, इसका इस दीवार से इस दीवार तक का, फिर इस दीवार से इस दीवार तक का, ये क्या हो गया इसके सब इंटरवल यानी कि इस पूरे घर के छोटे छोटे टुकड़े। यानी कि जो पहला टुकड़ा था वो क्या था मेरा, एक्स वन से एक्स नॉट, दूसरा क्या हुआ एक्स टू एक्स वन, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स नोट से एक्स वन और एक्स वन से एक्स टू, ऐसे चलता जाएगा। तो इसके जो सब इंटरवल क्या हो गए कि पहला जो है हमारा एक्स नोट से एक्स वन से एक्स टू, ऐसे जो
आई एन क्या होगा एक्स एन माइनस वन से एक्स एन। अब इसी से एक और डेफिनेशन आती है कि लेंथ ऑफ सब इंटरवल, कि सब इंटरवल तो आ गए, इनके हम लेंथ कैसे निकालें। बहुत सिंपल है कि ये हमारा सब इंटरवल आ गया, इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे, एक्स वन में से एक्स नॉट को माइनस कर देंगे, एक्स टू में से एक्स वन को माइनस कर देंगे और एक्स एन में से एक्स एन माइनस वन को माइनस कर देंगे। यानी कि जो हमारा जो पहला एग्जाम्पल था 1 2 3 6 जो हमने लिया था ऊपर यहाँ पर, इसके अगर हमें लेंथ निकालनी हो तो इसका जो पहला इंटरवल था वो क्या था, 1 से 2, तो इसके जो पहले लेंथ होगी वो 2 माइनस 1 1 आ जाएगी। ऐसे ये 2 से 3 था तो 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ गया, 3 2 6 था तो 6 में से 3 माइनस किए तो 3 आ गया। तो यही सब कुछ लिखा हुआ है। तो अगर ये जो लेंथ होती है, क्योंकि ये हमारा फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल है, तो इसकी जो लेंथ होगी वो भी क्या होगी, फाइनाइट होगी। तो हम इससे मैक्सिमल और मिनिमल निकाल सकते हैं। इसी से हमारी जो डेफिनेशन आई वो आई नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन, एक नॉर्म वर्ड आया। नॉर्म वर्ड कुछ नहीं होता है कि जैसे अगर सारे सब इंटरवल की लेंथ निकाली हमने और उसका अगर मैक्सिमम ले लें, सारे सब इंटरवल की लेंथ निकाल के उसका जो मैक्सिमम ले लें वही होता है नॉर्म, और जो कि डिनोट किया जाता है ऐसे। अभी रिफाइनमेंट, रिफाइनमेंट बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल ही सिंपल है रिफाइनमेंट की, ये है और ये है बॉय, ये है गर्ल, ये इसको कहता है कि तू मुझे मिल या मत मिल, मैं तो तुझे मिल गया। यानी कि ये जो बी, अगर इसको हम पी स्टार से कहते हैं और इसको पी से कहते हैं, तो ये जो बॉय है ये कहता है कि तू चाहे कुछ कर, तू जो करेगी वो मैं करूँगा पक्का। यानी कि जो पी का, जो पी के अंदर जो कैपेसिटी है वो पी स्टार के अंदर होगी होगी। यानी कि जो पी की जितनी भी बातें हैं वो पी स्टार को पता है। तो यही हो गई रिफाइनमेंट की डेफिनेशन। इससे बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि क्या कहलाएगा कि आई इज इक्वल टू ए बी, वही कोई फाइनाइट क्लोज इंटरवल ले लिया तो हम क्या है कि लेट पी एंड पी स्टार, पी और पी स्टार कोई भी दो पार्टीशन है ए बी के, तब हम पी स्टार को पी की रिफाइनमेंट कह सकते हैं इफ, अगर एवरी पॉइंट ओ पी इज अ पॉइंट ऑफ पी स्टार, कि पी का पी स्टार रिफाइनमेंट कब कहलाएगी, क्योंकि अगर पी की एवरी पॉइंट पी स्टार में हो, यानी कि जो पी की जो करती है वो पी स्टार करेगा ही। यानी कि ये खुद का भी है इसके अंदर और ये जो कर रही है वो भी करेगा, यानी कि ये इससे बड़ा हो गया भाई गर्ल से। यानी कि जो पी करेगी वो तो करेगा ही करेगा, और खुद का अलग से करेगा वो अलग है। तो इसी बात से क्लियर हो गई रिफाइनमेंट की डेफिनेशन, आई होप समझ में आई होगी। तो यही लिख रखा है कि आई इक्वल्स टू ए बी कोई क्लोज इंटरवल है और पी स्टार कोई दो रिफाइनमेंट मान पार्टीशन मान लिए, तो हम पी स्टार को रिफाइनमेंट कहेंगे पी की अगर पी के हर पॉइंट पी स्टार में हो। और अगर मैथमेटिकल फॉर्म में कहना चाहें तो पी स्टार अगर सुपरसेट हो पी का या पी सबसेट हो पी स्टार का, तब जो है पी स्टार रिफाइनमेंट कहलाएगी पी की। सिंपली कॉमन रिफाइनमेंट, बिल्कुल सिंपल वही कि कोई दो पार्टीशन दे रखे हैं पी वन पी टू। अब पार्टीशन वर्ड क्लियर हो गया इसलिए मैं इस डेफिनेशन को ज़्यादा जोर दे के नहीं बता रही हूँ। तो क्या हुआ, दो पार्टीशन ले लिए पी वन पी टू, तो हम कह सकते हैं कि पी स्टार कॉमन रिफाइनमेंट होगी अगर पी वन और पी टू दोनों का यूनियन ले लें, तो जो निकल के आएगा रिजल्ट, यानी कि वो पी स्टार रिजल्ट निकल के आएगा, तब हम पी स्टार को कॉमन रिफाइनमेंट कह देंगे पी वन और पी टू की। अब डेफिनेशन आई बाउंडेड सेट की। बाउंडेड सेट से होता है कि बाउंडेड सेट में दो तरीके कहेंगे, बाउंडेड अबव सेट और बाउंडेड बिलो सेट। बाउंडेड बिलो सेट क्या होता है कि एस कोई भी क्या हो, नॉन एम्प्टी सेट हो और क्या हो, सबसेट हो। एस कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है और सबसेट है रियल नंबर का,
तब जो एस जो है वो कहलाएगा बाउंडेड बिलो सेट। बिलो सेट कब कहलाएगा? कि कोई भी के एग्जिस्ट करता है रियल नंबर में सच डेट। किस तरीके से? बिलो है यानी कि इसके जो सारी एलिमेंट हैं वो क्या हो, के से बड़े हो जाएं, तब जो के कहलाएगा वो लोअर बाउंड कहलाएगा सेट की। क्या कहलाएगा? लोअर बाउंड। और जो सेट है वो बाउंडेड बिलो सेट कहलाएगा। बस यही लिख रखा है मैंने कि अगर फाई कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है और सब सेट है रियल नंबर का, तो एस कहलाएगा भाई बाउंडेड बिलो सेट, कि अगर वो एग्जिस्ट करता हो देयर एग्जिस्ट के बिलोंग टू आर सच डैट, कि के जो है इसके जितने भी एलिमेंट उनसे सबसे छोटा हो, तो और के को क्या कहला देंगे, क्या क्या कह देंगे? लोअर बाउंड। जैसे एग्जाम्पल लिया, अब इन सबसे छोटा क्या हो सकता है? जीरो। तो जीरो मान लिया रियल नंबर में बिलोंग करता ही है, मानना क्या है? तो जीरो क्या हुआ? लेस देन और इक्वल्स टू एक्स, और फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एस। तो जीरो क्या कहलाएगा? इसका लोअर बाउंड कहलाएगा, यानी कि इन सबसे छोटा हो गया। यही तो करना था कि के जो है वो सारे एलिमेंट से छोटा हो जाए। तो ये मान लिए सब एक्स हैं, तो इन सबसे छोटा क्या हो गया? जीरो। तो बहुत सारे होंगे लोअर बाउंड, तो इसके -1 -2 -3, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो सबसे बड़ा जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वो क्या होगा? कि एल कोई भी बिलोंग करता है रियल नंबर से, और वही कहानी की एस कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है और एस बिलोंग करता है रियल नंबर से, तब एक एल है लोअर बाउंड ऑफ एस और एक एल डैश दूसरा लोअर बाउंड ऑफ एस है। तो जो एल डैश है वो लेस देन और इक्वल्स टू होना चाहिए एल के। हो गई कंडीशन। अब बाउंडेड अबाव में बिल्कुल अपोजिट है, कि यहाँ पे जो चोंच थी ना ये एक्स की तरफ खुली हुई थी, इस बार इसकी तरफ ऐसे कर दो, इसकी तरफ बंद कर दो और इसकी तरफ खोल दो। वही है कि अब की बार जो भी एलिमेंट हो ना के जो है वो जो भी सेट के एलिमेंट होंगे उनसे बड़ा होगा। यानी कि वही ले लिया रामायण की एस कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, सब सेट है रियल नंबर का, तो एस को कहलाएंगे बाउंडेड अबाउ सेट अगर वो एग्जिस्ट करता है के बिलोंग टू आर सच डैट, कि एक्स जो है वो लेस देन हो, लेस देन और इक्वल टू हो के। तो के क्या कहलाएगा फिर? अपर बाउंड। अब जैसे एग्जाम्पल लिया वही, अब इससे बड़े हो गए 6 7 8 9, तो इसमें भी बहुत सारे होंगे, तो इसमें से क्या निकल के आएगा? लीस्ट अपर बाउंड। अब देखो यहाँ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्यों निकल के आया? कि जो भी है वो सबसे छोटा यहाँ से, यानी कि इससे छोटा चाहिए। अब इससे छोटा कौन सा सबसे बड़ा एलिमेंट होगा जो इससे छोटा होगा? और यहाँ पे इससे बड़ा यानी कि 6 7 8, तो ऐसे ही मान लिया कि यू बिलोंग करता आर से और ये कहानी, तो यू मान लिया अपर बाउंड ऐसे है, यू डैश अनदर अपर बाउंड है, तो इसमें कंडीशन आनी चाहिए कि यू जो है लेस देन इक्वल टू होना चाहिए यू डैश के। अब यहाँ से आई बाउंडेड सेट, दो तरीके से हो गए, बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबाउ। तो बाउंडेड बिलो में क्या आया था? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जिसको हम इनफिमम कहते हैं, और लीस्ट अपर बाउंड यानी कि एल यू बी, इसको हम सुप्रीमम कहते हैं। अब बहुत बार कन्फ्यूजन होता है कि जी के साथ आई और एल के साथ एस कैसे होगा, तो कुछ नहीं है, सिंपली याद कर लो कि एल से कुछ भी निकाल लो। जैसे कि हम याद रख सकते हैं एक फॉर्मूला से कि लो जी हम चले स्कूल, यानी कि एल से एस। अब ये बात याद हो गई कि एल से एस, अब यानी कि कुछ भी याद कर लो, जैसे कि लव सोनम वगैरह वगैरह कुछ भी, जैसे कि हमारे फायदे के लिए, कि अगर हमने एक याद कर लिया ना तो दूसरा हमें याद रह जाएगा कि इसके साथ फिर अपोजिट आएगा। सो अब अगर कि इफ़ अ सेट इज़ बाउंडेड, अगर कोई सेट बाउंडेड है देन इनफिमम और सुप्रीमम एग्जिस्ट करेंगे। अब क्या हुआ कि बाउंडेड फंक्शन क्या होता है, इसको अब ध्यान से देखना, कि यहाँ जो रामायण है ये हमारी अब आगे थ्योरम में यूज होंगी, कि कोई भी एफ है वो कैसे है कि क्लोज इंटरवल ए बी में, और जो लेट एफ सच डैट कि ए कोमा बी किस में बिलोंग करते हैं आर में, इट्स सेड टू बी बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड फंक्शन कब कहलाएगा? कि अगर
कोई भी देयर एग्जिस्ट एम, कोई भी एम बिलोंग करता है रियल नंबर से, सच डैट कि जब अगर हम इसका मोड ऑफ एफ एक्स लेंगे वो लेस देन और इक्वल्स टू एम आए। मोड का मतलब ये होता है कि ये या तो माइनस एम से एम पर जाएगा तो इसको लोअर बाउंड कह देंगे, इसको अपर बाउंड। तो ये जो है ये बात, ये वाली ये लाइन, इसको बिल्कुल याद रखना है क्योंकि ये बहुत सारी थ्योरम में यूज आएगी कि मोड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एम अगर बाउंडेड फंक्शन का नाम आ जाए तो। सो अब हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो जाएगा रीमन स्टिल्जिज इंटीग्रल। उससे पहले हम रीमन इंटीग्रल करेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हमारी 15 थ्योरम है रीमन स्टिल्जिज पे, उसके बाद जो है नेक्स्ट वो देख लेंगे। तो आई होप कि आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई है, तो थ्योरम में कुछ नहीं है, थ्योरम बिल्कुल एज इट इज़ आपको बिल्कुल समझ आ जाएंगी।